सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। सीएए पर दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये वो बयान था जब उन्होंने सीएए को सदन के सामने रखा था, जब उन्होंने सीएए की पहली बार बात की थी। बीजेपी के संकल्प पत्र में 2019 में सीएए संकल्प पत्र का हिस्सा था और पार्टी इसे लागू करने को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हम राम मंदिर, आर्टिकल 370 और साथ ही साथ सीएए को देश में लागू करेंगे। इसके बाद देश में खासा विवाद हुआ, दिल्ली में शाहीन बाग में लंबे समय तक इसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन देशव्यापी प्रदर्शन रहा, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई और अपनी बात पर अड़ी रही कि वो देश में सीएए लागू करके ही रहेंगे। और अब उस सीएए के बारे में एक नया अपडेट आ गया है, केंद्र सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने सीएए को लागू कर दिया है। सदन में इसका बिल जो है पहले ही पास हो चुका था, राज्यसभा और लोकसभा में इसे पहले ही पास किया जा चुका था। इसके बाद इसके लागू होने की तारीख का महज इंतजार किया जा रहा था और वो सिर्फ एक औपचारिकता थी क्योंकि लोकसभा में भी पास हो चुका था। उसके बाद से केंद्र सरकार इसे लागू करने को लेकर के थोड़ा सा केंद्र सरकार ने समय लिया और परिस्थिति जब सामान्य हो गई उसके बाद इससे पहले भी हाल फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान जारी किया था और यह कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए को लागू कर दिया जाएगा। और अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र की यह मुख्य मांग जो उन्होंने रखी हुई थी और यह मुख्य संकल्प उन्होंने लिया था कि देश भर में सीएए को लागू किया जाएगा, वो संकल्प उन्होंने पूरा कर लिया है और सीएए देश भर में लागू हो गया है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ ही साथ बांग्लादेश से सताए गए जो हिंदू हैं, इसके अलावा सिख हैं, ईसाई हैं, वो उन जो धर्मों के लोग हैं यानी कि जो इन देशों में मुस्लिम बहुल देशों में जो माइनॉरिटी है उनको भारत में शरण मिलेगी और उसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल बनाया है। क्या कुछ है इसमें, आपको बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, इन कानूनों के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा यानी कि दस्तावेज, पासपोर्ट या फिर वीजा के बगैर घुस गए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुके हुए हों। यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार से जिस तरीके से लगातार भारत में सीमा पार करके भारत में आते हैं और घुसपैठिए के तरीके से वो भारत में दाखिल होते हैं, ऐसे लोगों को अवैध करार कर दिया जाएगा। ऐसे में इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून में संशोधन किया था और अब जो है इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम बहुल जो पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ऐसे में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए विस्थापित अल्पसंख्यकों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जो लोग प्रताड़ित होकर के जो मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके बाकी जो समुदाय के लोग हैं इन देशों से प्रताड़ित होकर के भारत में आए हैं उन्हें सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके साथ ही उनसे कानूनी जांच पड़ताल की जाएगी, उनसे उनकी पृष्ठभूमि पूछी जाएगी और साथ ही साथ उनके रहने का स्थान और जो तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं सरकारी जाँच पड़ताल में वो पूछी जाएंगी और उसके बाद उन्हें ये पूछे जाने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी।
बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज की कोई जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी, जो कि सरकार का एक अहम कदम माना जा रहा है। और ऐसे में अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है उसके बाद इस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी होंगे, तो जिस तरीके से ये चीजें बन रही हैं और अब देखना ये होगा कि इसे लोकसभा से पहले माहौल कैसा बनता है देश में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप केंद्र सरकार के इस फैसले पर, इस बड़े कदम पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।